नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक भर्ती के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। और ये जो भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट कार्यालय पानीपत के द्वारा जारी किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पानीपत हरियाणा के द्वारा ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है, एम्प्लॉयमेंट नोटिसज है। और ये ऑफिशियली जो वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट कार्यालय की, पानीपत की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये पब्लिश हो चुका है। इस एडवर्टाइजमेंट में कुल 6 वैकेंसीज के लिए ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है। और किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इंटरव्यू का शेड्यूल किस प्रकार से रहेगा वह जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ ये भी है कि इस चैनल के ऊपर प्रतिदिन 1 मार्च से 6:30 बजे 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के ऊपर आपको मिलेंगे, जिसको आप पढ़कर विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। कुल वैकेंसी यहाँ 6 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें पीएन, एडिशनल पीएन, चौकीदार, वाटरमैन इत्यादि की ये वैकेंसी रहेगी। जिसमें कुल वैकेंसी जनरल श्रेणी के लिए 4 हैं, एससी के लिए 1 और बीसी ए कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। अब बात करते हैं कि इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। ये रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी है, केवल और केवल इसमें हरियाणा वासी ही नहीं बल्कि हरियाणा से बाहर के जो कैंडिडेट हैं, अन्य राज्यों के जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अन्य राज्यों के जो कैंडिडेट होंगे वो केवल जनरल की पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। जो रिज़र्व कैटेगरी की पोस्ट हैं, जैसे एससी की है और बीसी ए कैटेगरी की पोस्ट है, ये केवल जो बेनिफिट है एससी का और बीसी का, ये केवल हरियाणा वाले कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। अन्य राज्यों के कैंडिडेट भी इस रेगुलर पोस्ट जो ग्रुप डी की ये पोस्टें हैं, पीएन की कुल 6 पोस्टें हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की बात करें, डी ग्रुप की ये जो पोस्टें हैं 16,900 से लेकर 53,500 प्लस यूजुअल एलएमसी जो हरियाणा गवर्नमेंट के कर्मचारी को दी जाती हैं वो आपको मिलेंगी। अब बात करते हैं कि आपने इसको अप्लाई किस प्रकार से करना है। जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो बाय पोस्ट आपने भेजना होगा। बाय पोस्ट आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है और किसे भेजना है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जीटी रोड पानीपत, इस एड्रेस के ऊपर आपने बाय पोस्ट अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने भेजना है। जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो बाय पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के, स्पीड पोस्ट के या साधारण डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। अब बात करते हैं कि पीएन के पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या हो रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें, केवल और केवल यहाँ 8वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए और नॉलेज ऑफ हिंदी या पंजाबी भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए 8वीं कक्षा तक। यदि आपके पास हिंदी सब्जेक्ट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपने पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2023 को कैंडिडेट की आयु जो है 18 से 42 वर्ष के बीच के कैंडिडेट होने चाहिए। और एससी कैटेगरी में और बीसी ए कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 18 से 47 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के कैंडिडेट 18 से 42 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट रहेगी इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए वो रहेगी 3 मार्च 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट कार्यालय की इस वैकेंसी के लिए। इसके लिए अलग से कोई कॉल लेटर आपके पास नहीं आएंगे। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे रेगुलर जो वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट की, उसको आप रेगुलर चेक करते रहें। उसके ऊपर आपको एक लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट के जिन कैंडिडेट का उस लिस्ट में नाम आ जाएगा वो इस शेड्यूल के मुताबिक आप अपना इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इंटरव्यू के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट कार्यालय पानीपत के कार्यालय में आपको जाना होगा। 13 मार्च को उन कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा जिन कैंडिडेट के नाम ए बी सी डी ई एफ से शुरू होते हैं, और 14 मार्च को उन कैंडिडेट का होगा जिनके नाम जी एच आई जे के एल से शुरू होते हैं। 15 मार्च को उन कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा जिन कैंडिडेट के नाम का पहला अक्षर एम एन ओ पी क्यू है। 16 को उनका इंटरव्यू होगा जिनके नाम का पहला अक्षर आर टी यू वी है। और 17 को उन कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा जिन कैंडिडेट्स के नाम एस डब्ल्यू एक्स वाई जेड से शुरू होते हैं। और 18 मार्च को उन कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा जो स्पॉन्सर्ड किए होंगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा या जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट होंगे। इस प्रकार से ये इंटरव्यू शेड्यूल रहेगा। इंटरव्यू देने के लिए आपको जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स
जीटी रोड पानीपत के कार्यालय में आपको जाना पड़ेगा और इंटरव्यू का जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो 11 बजे सुबह आपने पहुंच जाना है और इंटरव्यू जो स्टार्ट होगा आपका 1:30 के ऊपर आपका शुरू होगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपको एप्लीकेशन फार्म की ज़रूरत होगी। एप्लीकेशन फार्म आप ये एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन फार्म आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर मिल जाएगा। ये इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फार्म है जो आपको आपकी वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके एक कोने पर एक ये फोटो का स्पेस दिया गया है, इसके ऊपर आपने फोटो पेस्ट करके सेल्फ अटेस्टेड कर देनी है और इसके नीचे इस फार्म को आपने भरना है जिसमें अपने कैंडिडेट ने नाम लिखना है, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आप वही लिखेंगे जो आपके 10वीं या 8वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसके बाद सेक्स में मेल या फीमेल बताएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप यहाँ 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो फिल करेंगे। परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपने अपना हाउस नंबर, विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, तहसील का, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड लिख के आपने कंप्लीट करना है। कैटेगरी में आप लिखेंगे SC या BC, A या जनरल कैटेगरी से हैं। नेशनलिटी में इंडियन लिखेंगे सभी कैंडिडेट। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का वो पूरा लिखेंगे। ईमेल आईडी आप लिखेंगे इसमें और एक्सपीरियंस यदि आपके पास कोई है वो आप जरूर लिखेंगे। इसके बाद आपने इसके ऊपर यहाँ आपने इस प्रकार से सिग्नेचर जरूर कर देने हैं और यहाँ आपने डेट जरूर लिखनी है। यदि आप डेट और सिग्नेचर नहीं डालेंगे तो आपका हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। इस प्रकार से आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं PN की 6 पोस्टों के लिए। और ये 6 पोस्टों के लिए जो आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना है वो एक बार आप नोट कर लें, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स, जीटी रोड पानीपत के कार्यालय में आपने अपना एप्लीकेशन फार्म जो है वो आपने बाय पोस्ट भेज देना है। बाय पोस्ट में आप या तो आप बाय हैंड भी जमा करा सकते हैं या बाय पोस्ट भी आप जमा करा सकते हैं। बाय पोस्ट में रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जमा करवा सकते हैं। इस प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए, लेटेस्ट इंप्लीमेंट नोटिसेज जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के जो सूचनाएँ हैं वो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहें। धन्यवाद।